नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से लगातार हम परवेज पटेल के बारे में कई अहम खुलासे आप तक लेकर आते रहे हैं और आगे भी लेकर आएंगे। इस बार हम कुछ खास लेकर आए हैं, क्योंकि एक वीडियो जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं उसमें एक व्यक्ति जो सुसाइड कमिट कर रहा है ऐसा वीडियो बना रहा है। हालांकि ये सुसाइड कमिट कर रहा है लेकिन इसने सुसाइड किया नहीं, इसीलिए हम इसका ओरिजिनल नाम आपको नहीं बता सकते हैं, इसका चेहरा हम थोड़ा ब्लर करेंगे। लेकिन खास बात तो ये है कि जो भी ये व्यक्ति है जो सुसाइड नोट का वीडियो बनाया था, वो परवेज पटेल का मुंह बोला साला बताया जाता है। मैं उर्फ आज आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरे आत्महत्या का जवाबदार पूरा बबलू लक्की है, लक्की होटल वाला भालदारपुरा रियाज बबलू लक्की। इसने मेरा इतना जीना हराम करके रखा है कि सर मैं बता नहीं सकता। 60,000 रुपये के मुझसे 15 लाख रुपये मांग रहा है और उसके बाद मेरे घर पे रात के 4 बजे 3 बजे 4 बजे ये रोज़ मेरे घर पे आ रहा है। और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरी जान का दुश्मन है ये, और अगर मेरे छोटी बच्ची है, मेरी एक बीवी है, अगर मुझे आज मैं मर रहा हूँ और उसका पूरा जवाबदार बबलू लक्की रहेगा और उसके बाद मेरी बीवी बच्चे अनाथ होंगे, इसका पूरा जवाबदार बबलू लक्की रहेगा। सर बस इतनी रिक्वेस्ट है। मैं ये मैसेज CP साहब को भी भेज रहा हूँ, मैं कामटी थाने में भी भेज रहा हूँ और जिस तक के जाएगा ये मैसेज उस तक के चले जाएगा, ये वीडियो चले जाएगा उस तक की। ठीक है सर, मेरा जो भी है मेरा जवाबदार, मेरी मौत का जवाबदार बबलू लक्की रहेगा। इस वीडियो के बाद हम इसी व्यक्ति की और परवेज पटेल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जो हमारे पास हाथ लगी है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा बताया जा रहा है, सुनने के बाद शायद ऐसा प्रतीत होता है कि परवेज पटेल पुलिस कार्रवाई के बाद भी कामों को अंजाम देता था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ पर है भैया? मैं ताजबाग जा रहा था फैमिली को छोड़ने के लिए, फिर आपके तरफ आ रहा हूँ, वो भी आ रहे ना। मेरी बात सुनो, अभी उनको बुलाओ मत। हाँ, यहाँ मामला जो हुआ था ना मेरा परसों के दिन। अच्छा, वो पुलिस मैटर? हाँ पुलिस मैटर, तो हाँ। पुलिस मैटर अभी होने का है, खत्म है ना, और उसको अभी 2 दिन लगेगा टाइम। जो ऑफिसर के अपने पेमेंट करे थे ना, हाँ, वो बॉम्बे गया हुआ है। मेरे को तो लगा उसी दिन परसों ही खत्म हो गया। नहीं हुआ, अपन अभी किसी को कुछ नहीं कर रहे और खामोश रह रहे, चुपचाप ऑफिस में बैठा हुआ अभी। ओके, अभी किसी को लाना भी नहीं, और इधर वो भैया लोगों को बोल देना इधर आना मत करके। तो मैं भी नहीं आ सकता कि अभी फिर अभी मत आओ ना। ठीक है ना, उनको थोड़ा सा समझाओ। हाँ मैं बोल देता, मैं रिकॉर्डिंग ही पूरा देता नहीं, पूरा 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 पेमेंट वो पूरा सामान ही कर देगी उनको, माल कर दे रहे पूरा दे रहे। हाँ, ठीक है बाद में पैसे लेगी उनसे, लेकिन कर देंगे। हाँ वो भैया भरोसे के लोग हैं, पैसे दे देंगे। हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं ना, वो तो आदमी एक नंबर है यार। ठीक है। हाँ और आने वाले समय में परवेज पटेल की जो भी सच्चाई है, जो खुलासे हैं, हम आप तक करेंगे और लोगों को ठगने वालों महाठग की सच्चाई खुलनी भी चाहिए, लोगों तक आनी भी चाहिए, और लेकर हम आते रहेंगे। आप देखते रहें BCN न्यूज़।